आप देख रहे हैं मैं सैन एंड्रियास टेक्स और मैं उशर जमीन यूसुफ़ज़ई। इससे पहले मैं 6 वीडियोस तकरीबन अपलोड कर चुका हूं आज के टेस्ट सीटी टेस्ट पर, ईटा टेस्ट पर 20 जून 2021 को जो हुआ है आज। तो इसमें हमारे पास डू नॉट क्वेश्चन नंबर 17 है, डू नॉट इंसल्ट द वीक। तो ये हुक्मिया जुमला है, लेट द वीक बी नॉट इंसल्टेड, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रिमूव द कवर्स फ्रॉम बॉक्सेस एंड देन डिस्कार्ड देम। दोस्तों जो देम है, एक होता है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट जो शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट जो आखिर में आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे पास। बी जो है ना आंसर वो हमारे पास करेक्ट है, दे देम में चेंज हो जाता है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग्स टू वेल। वेल मातम को कहते हैं, नोहा उसको कहते हैं, तो ट्राई क्राई प्ले और क्ले। तो यहां पर जो क्राई है बी ऑप्शन हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ही हैड ब्रोकन हिज चेयर। द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज ही हैड ब्रोकन हिज चेयर, यानी चुका था हेड, तो ये आ जाएगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। डी हमारे पास ये करेक्ट है इसमें। अगला है ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू गैस इन एग्जाम्पल ऑफ, अगर कोई सॉलिड जो है ना हमारे पास डायरेक्टली गैसेस में वो कन्वर्ट हो जाए विद आउट यानी लिक्विड, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। बी हमारे पास जो है इसमें करेक्ट आंसर है, सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है अ स्मॉल सॉलिड रॉक ट्रेवलिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज दिस। अच्छा, वाटर है मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 सेंटीग्रेड 100। वाटर का हमारे पास एनामलिस बिहेवियर होता है, तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 4 सेंटीग्रेड पर इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। जिहाद देश में फर्ज हुआ 2 हिजरी हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है गुरूब, अच्छा जी, गज़वे अहज़ाब में सल्लम की हिकमत अमली देश का, ये तो करेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में दिफाई लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द वार ऑफ यटास्तवन की जो जंग है 1857 इज डब्ड बाय ब्रिटिश राइटर, उसने क्या नाम दिया है इसको, उन्होंने इसको नाम दिया था, अच्छा जी, क्रूसेड, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इम्यूनिटी और फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने बगावत का नाम दिया था, तो उसको कहते हैं इम्यूनिटी। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। SWOT स्टैंड फॉर, तो ये स्टैंड करता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ए ऑप्शन हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² इफ y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आप वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे x² इक्वल टू 4 आएगा, फिर x इक्वल टू 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आई एम श्योर आई विल एंजॉय ईटिंग डिश यू टू कुक, व्हाट यू कुक, जो भी आपने बकाया, तो बी आंसर हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विल दे हैव चीटेड अस, वेल अस वी में चेंज होता है ये अस, तो वेल वी हैव बीन चीटेड बाय देम, तो इसमें हमारे पास जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है वी आर टू रिस्पेक्ट दोज यानी हु आर सीनियर, सीनियर टू अस, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू विनिश्ड, खत्म करना, अच्छा जी, इम्प्रूव, इंटरेस्टेड, अच्छा जी,
डिप्रूव डिसअपियर्ड वाई होना, तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।